371 पेज 1942 एडिशन का पेज जो हमने पढ़ा था दृष्टियों में, वहां पे हमने इसको स्पष्ट कर लिया था। आत्मा कहां से आता है? खाना नंबर 9 से, और खाना नंबर 11 के जरिए प्रवेश करता है, और खाना नंबर 3 के जरिए जहां से जाता है, और ऐसे ही खाना नंबर 5 3 का लिंक, खाना नंबर 8 6 10 वगैरह से। नेक और बात एस्पेक्ट्स, दृष्टियां अच्छी या बुरी, उनका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता था, हमने वहां पे ये डिस्कस किया था। आज हम जो है आत्मा की यात्रा कैसे चलती है, कहां से निकलती है आत्मा, कैसे जाती है, कौन कौन से हिसाब किताब लेकर चलती है, और ये लाल किताब इन्हें किस ढंग से एक्सप्लेन कर सकती है। खाना नंबर 9 से यात्रा शुरू होती है। खाना नंबर 9 नंबर जो है हॉरोस्कोप का, ये हमारा पिछला जन्म दिखाता है, हम कहां से आए हैं, हमने क्या किया, क्या दिया, क्या लिया, उनके हिसाब किताब क्या है लोगों के साथ, ये खाना नंबर 9। खाना नंबर 9 हमारा धर्म का घर है। यहां पे हम आध्यात्मिक, धार्मिक, हमारे देवता कैसे होंगे, वैदिक में आता है, हमारा ईष्ट देवता कौन सा होगा, अभी खाना नंबर 9 से देखा जाता है। हम यहां पे क्या देते हैं दुनिया को, क्या देते हैं खाना नंबर 9, अच्छे और देने वाले कर्म। यहां पे अगर अच्छे ग्रह होंगे तो हम ज्यादा देंगे, अच्छा करेंगे, अगर यहां पे खराब ग्रह होंगे तो वो तो हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा, देने में हमारे कुछ ना कुछ हिसाब किताब में तब्दीली जरूर हो जाएगी। और पिछले जन्म का हिसाब खाना नंबर 10 के साथ भी है, हमने लोगों को उनके साथ कैसे बिहेव किया, उनसे क्या लिया, कैसे मदद ली, क्या पैसे लिए या कोई और किसी ढंग से, क्या उनका कर्जा है हमारे ऊपर, ये हमारे कर्म का घर है खाना नंबर 10। ये खाना नंबर 10 हमने जो दुनिया से लिया वो है, खाना नंबर 9 हमने जो दुनिया को दिया वो रिप्रेजेंट करता है, वो पिछले जन्म का हिसाब किताब है ये। और खाना नंबर 11 जो है आत्मा की पिछले जन्म के बाद इस दुनिया में आने का रास्ता दिखाती है, ये हमारा खाना नंबर 11 है, जिसे हम प्रवेश द्वार बोलेंगे आत्मा का इस दुनिया में इस जन्म के लिए। ये हमारा जन्म है, आत्मा यहां से आती है, और इसमें कौन से घरों के असर मिले हुए आएंगे, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 10 के दोनों के मुश्तरका मिले हुए असर आत्मा साथ लेकर आता है। हमने दुनिया को क्या दिया था, दुनिया से क्या लिया था, ये जुड़कर यहां ये इतने अपना पैक्ट बनाया, उठाकर चल दी, चलो भाई अब चलते हैं अगले जन्म के लिए, और यहां से इसने प्रवेश किया। जो कुंडली का खाना नंबर 1 है, ये हमारा आत्मा और शरीर दिखाता है जन्म का। यहां पे रूह और बुद्ध का झगड़ा होता है, तभी कहते हैं यहां पे होता है झगड़ा, यहीं से सारे झगड़े शुरू होते हैं जन्म के, रूह और बुद्ध, शरीर और आत्मा। और यहां पे खाना नंबर 9 और 10 के हिसाब किताब लेकर आत्मा आ जाती है शरीर के रूप में, खाना नंबर 1 हमारा बॉडी। और इसके बाद खाना नंबर 10 का जो असर है खाना नंबर 12 में ट्रांसफर हो जाता है। जो हमने दुनिया से लिया था, क्या लिया था, वो हमें खाना नंबर 10 में शो होगा, और उसका लिंक अब खाना नंबर 12 में ट्रांसफर हो गया। जो हमने दिया वो हमें रिटर्न करना होगा, देना होगा दुनिया वालों को, वापस देना होगा, ये खाना नंबर 12 के जरिए होगा, तभी हम खर्चा खाना नंबर 12 से लेकर निकलते हैं। एक्सपेंडिचर हाउस, व्यय घर, यहां पे खर्चे होंगे। यहां पे भी अगर अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छे खर्चे होंगे, क्यों, पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छा किया होगा तो खर्चे भी अच्छे होंगे हमारे स्पिरिचुअल
आध्यात्मिक, वरना खराब खर्चे होंगे जिनका कोई हिसाब किताब कभी नहीं होगा। यहां पे बैठे हुए ग्रह हमें बताएंगे क्या हो सकता है। अब खाना नंबर 9 का असर धर्म का, तो धर्म स्थान में ही जाएगा। खाना नंबर 2 लाल किताब के हिसाब से ये धर्म स्थान है, ये दोनों आंखों के दरमियान हमारा स्थान है जहां पे हम तिलक लगाते हैं, इसी लाल किताब में धर्म स्थान की व्याख्या की गई है, जिसे हम मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद या गिरजा कह सकते हैं। और ये खाना नंबर 2 में ट्रांसफर हो जाता है असल। और यहां पे हमने जो लोगों को दिया था अब हम लेंगे भी तो सही, ये खाना नंबर 2 के मार्फित हम लेते हैं, हमारे पास आता है, जमा हो जाता है, तभी इसे हम फाइनेंस का घर या कहां से आया क्या आया वो यहां पे आएगा, कहीं से भी आए, किसी रिश्तेदार से आए, किसी लोगों से आए, किसी भी ढंग से हमारे पास आए, ये खाना नंबर 2 में जमा हो जाएगा। इसके बाद तो खाना नंबर 3 आ जाता है। खाना नंबर 11 बिल्कुल एंट्री गेट है, जिसे हम कहें आत्मा का प्रवेश द्वार इस दुनिया में, माया का प्रवेश द्वार इस दुनिया में, और माया यहां से बाहर निकल जाती है खाना नंबर 3 के जरिए, ये इसका अपने बाहर जाने का रास्ता है। जब हमें किसी की बीमारी सेहत या मौत के बारे में देखना होता है तो खाना नंबर 5 और खाना नंबर 3 को बहुत गौर से देखा जाता है, इनका संबंध बाकी घरों के साथ क्या हुआ करता है वो भी देखा जाता है। और खाना नंबर 3 साथ क्या लेकर जाएगा, 5 नंबर में तो उसने फिर अगले जन्म में चले जाना है, पांचवा घर तो अगले जन्म का है आत्मा का, यहां से बाहर निकलती है उधर से अंदर आती है फिर यहां आ जाती है, यहां से निकलती है यहां चली जाती है, देखो बिल्कुल घूमते चली जाती है चक्कर। जो 5 नंबर में अंतर जीव आता है तो कहां से लेकर आएगा, 12वां और दूसरा घर, इन घरों के हिसाब किताब जो लेने देने के बाकी बच गए या जमा हो गए उनमें, फिर यहां पे आ जाएंगे खाना नंबर 4 में, और ये इनका अपने साथ जमा कर लेगी जीव और लेकर फिर अगले जन्म में चला जाता है। और इसके बाद हमारे दुश्मन आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं जो साथ चलते हैं जिंदगी में, दुश्मन भी साथ चलते हैं, जिससे रिश्तेदार रिश्तेदार जो जिसे हम पार्टनर्स बोलने को साथ चलते हैं, मगर मौत तो फिर भी खड़ी है खाना नंबर 8 के ऊपर, फिर आगे खड़ी है, इसने ऐसे ही घूमते रहना, ये चक्कर कभी भी खत्म नहीं हुआ करता, ये रिसाइकल रिस्टार्ट घूमता रहता है घूमता रहता है, और आत्मा ऐसे ही चलती रहती है जब तक खाना नंबर 9-10 खाना नंबर 12-2 इनका हिसाब किताब, दुनिया का लेने देने का हिसाब किताब क्या था वो जीरो नहीं हो जाता, तब तक प्राणी को इस आत्मा को मुक्ति की अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती। क्या ये ठीक है, एग्री?